गुड आफ्टरनून। आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप लोग हमारी। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट में साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में, क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन को डिस्कस किया था, और उसमें भी दो तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आपको याद रखना है। पहला तो क्रीलॉक्स रिकॉम्बिनेशन सिस्टम भी एक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन सिस्टम है, और उसमें जो क्री है वो रिकॉम्बिनेज है, जो लॉक्स टर्म है वो रिकॉम्बिनेशन साइट अर्थात वो डीएनए रीजन जहाँ जो रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो साइट प्रेजेंट करता है, तो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और किस तरह से क्री लॉक्स रिकॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट हैं वो डिलीशन, इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन हो सकते हैं। तो यदि लॉक्स पी साइट्स डायरेक्ट रिपीट में हैं तो डिलीशन, और यदि वो इन्वर्टेड रिपीट में हैं तो इंटरवीनिंग जो डीएनए रीजन था उसका इन्वर्जन होगा। और यदि लॉक्स पी साइट्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स पर हैं, तो ट्रांसलोकेशन होगा। इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब हम लोगों ने रिकॉम्बिनेशन को शुरू किया तो बेसिक तीन तरह के रिकॉम्बिनेशनल प्रोसेस को हम लोगों ने लिखा हुआ था। वन इज होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, सेकेंड इज साइट स्पेसिफिक, थर्ड इज ट्रांसपोजिशन। तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को भी डिस्कस कर लिया है, और आज हम लोग तीसरा जो ट्रांसपोजिशन है उसको डिस्कस करने चल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, ट्रांसपोजिशन क्या है, ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ लें, ट्रांसपोजिशन भी एक स्पेशल टाइप का रिकॉम्बिनेशन है। अर्थात जब आप ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोजोन्स पढ़ते हैं तो ट्रांसपोजोन्स मोबाइल डीएनए सेगमेंट्स हैं, मोबाइल डीएनए फ्रेगमेंट्स भी आप कह सकते हो, जो एक डीएनए लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जंप कर सकते हैं अर्थात मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके मूवमेंट के मैकेनिज्म को ही हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो ट्रांसपोजिशन भी एक स्पेशल टाइप का रिकॉम्बिनेशनल प्रोसेस है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं साइट स्पेसिफिक और होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से, कि इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में किसी भी सीक्वेंस होमोलॉगी की जरूरत नहीं है। तो इस पॉइंट को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं। आगे हम लोग ट्रांसपोजिशन के मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोजिशन, क्योंकि जब हम लोगों ने रिकॉम्बिनेशन के बारे में लिखा हुआ था कि रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस कितने हो सकते हैं, कितने तरह के होते हैं, तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर तीन तरह के रिकॉम्बिनेशनल प्रोसेस को लिखा हुआ था। वन इज होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, एक होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन था, दूसरा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, एंड थर्ड इज हम लोगों ने ट्रांसपोजिशन लिखा हुआ है, ट्रांसपोजिशन। तो ये हम लोगों ने लिखा हुआ था, उसी ट्रांसपोजिशन को आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ट्रांसपोजिशन भी एक तरह का क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। जो ट्रांसपोजिशन है वो भी एक तरह का रिकॉम्बिनेशनल प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ट्रांसपोजिशन इज ए स्पेशलाइज्ड या स्पेशल टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन, टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अर्थात ट्रांसपोजिशन एक स्पेशल तरह का रिकॉम्बिनेशन है जिसमें ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक डीएनए साइट से दूसरी डीएनए साइट पर जंप करते हैं या मूव करते हैं। तो जब कोई मोबाइल डीएनए एलिमेंट या मोबाइल डीएनए सेगमेंट एक साइट से
जंप करके निकल करके दूसरी डीएनए साइट पर जाकर के अपने आप को इंसर्ट कर लेता है, हम लोग इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। और जब भी ऐसा होगा तो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जहां पर भी टारगेट साइट पर जिस डीएनए रीजन पर आकर के एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इंसर्ट होगा, वहां का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो रीअरेंज हो जाएगा, वहां की जो इंफॉर्मेशन है या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहें या जो जीन का सीक्वेंस कहें वो रीअरेंज होगा। इस वजह से हम लोग इसको रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो एक स्पेशल टाइप का क्या है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है ट्रांसपोजिशन, आपको ये ध्यान रखना है। तो कई बार ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, इनमें क्या है कि थोड़ा डिफाइन करने में थोड़ा सा हमें अलग अलग पॉइंट को ध्यान रखना है। ट्रांसपोजिशन एक तरह का प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, आप ये समझ सकते हैं, जिसमें एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट अर्थात ट्रांसपोजोन अपनी एक डीएनए साइट जहां पर वो प्रेजेंट है वहां से वो मूव करके चला जाएगा दूसरी डीएनए साइट जहां पर वो इंसर्ट होगा, उसको टारगेट डीएनए साइट कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ट्रांसपोजिशन, तो नाम दिया ट्रांसपोजिशन। अब जो जाने वाला डीएनए एलिमेंट है या जो डीएनए सेगमेंट यहां से मूव करके गया है, इस डीएनए सेगमेंट को हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कहते हैं, इसको नाम देते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, अर्थात हम इसे ट्रांसपोजोन भी कह सकते हैं, इसको ट्रांसपोजोन भी कहते हैं। तो हम लोग ट्रांसपोजोन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोजिशन क्या है इसको डिस्कस कर लिया। अब सेकेंड पॉइंट आता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जो हम लोगों ने लिखा भी पीछे, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजोन्स भी हम लोग कहते हैं, या मोबाइल डीएनए एलिमेंट भी कहते हैं, तो कई अलग अलग नाम है लेकिन ट्रांसपोजोन्स काफी फेमस है और काफी बोलचाल में हम लोग ट्रांसपोजोन शब्द यूज करते हैं, या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कहें या ट्रांसपोजोन्स कहें। अब ये ट्रांसपोजोन्स क्या है, हम इनको कैसे डिफाइन करें? तो किसी डीएनए के साथ जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा तो डीएनए और डीएनए, या ये कहें दो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में होगा, आरएनए के बीच में तो होगा नहीं। और यहां पर ट्रांसपोजिशन में क्या, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल, एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक डीएनए साइट से जंप कर गया दूसरी डीएनए साइट पर, अर्थात ट्रांसपोजोन्स या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स डीएनए सेगमेंट ही हैं, ये डीएनए सेगमेंट हैं जो एक पोजीशन से जंप करते हैं और दूसरी डीएनए साइट पर पहुंच जाते हैं। ऐसा करने के लिए वो किसी दूसरी सेल में नहीं जाएंगे, वो रहेंगे अपनी सेल के अंदर ही, अपने ही जीनोम में किसी दूसरे साइट पर जाकर के वो अपने आप को इंसर्ट कर लेंगे, इस पॉइंट को भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजोन्स आर मोबाइल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए के मोबाइल सेगमेंट हैं दैट कैन मूव फ्रॉम वन डीएनए साइट टू अनदर टारगेट डीएनए साइट। आप ऐसा समझ लें, ये क्रोमोसोम है, मैं यहां पर इस यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहा हूं, और मान लेते हैं ये एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ट्रांसपोजोन है, ये क्या करता है, यहां से जंप करता है और एक दूसरे डीएनए पर, ठीक है, मैं यहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर बना लेता हूं, यहां पर आकर के आपको इंसर्ट कर लेता है, यहां पर आकर के ये इंसर्ट हो गया, तो यहां पर भी ये प्रेजेंट था और इसने अपने आप को यहां से बाहर निकाला और आकर के एक डीएनए पर यहां पर अपनी टारगेट साइट पर इंसर्ट हो गया। तो एक वन लोकेशन, ये एक डीएनए साइट है और ये इसकी दूसरी डीएनए साइट है, यहां पर आकर के ये लोकेट कर गया। तो इस पूरे मैकेनिज्म को, इस मूवमेंट के पूरे मैकेनिज्म को हम लोग ट्रांसपोजिशन कहेंगे, इसे हम लोग ट्रांसपोजिशन नाम देंगे। और जो ये एलिमेंट यहां पर आ गया है, जो ये एलिमेंट यहां पर है, इसे हम ट्रांसपोजोन कहेंगे। तो सिंपली आप ये समझ लें, ट्रांसपोजोन्स आर
मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स या मोबाइल डीएनए सेगमेंट दैट कैन मूव फ्रॉम वन डीएनए साइट टू अनदर डीएनए साइट भी कह सकते हो, जहां पर वो इंसर्ट होते हैं जनरली हम लोग उनको टारगेट डीएनए साइट कहते हैं। ठीक है, अब एक करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रांसपोजोन्स इज दैट दे कैन इंसर्ट इनटू मेनी डिफरेंट साइट्स इन द जीनोम। अब यहां पर एक पॉइंट ये हो सकता है कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं जब वो अपनी ओरिजिन साइट जहां पर वो प्रेजेंट हैं, जहां पर वो लोकेटेड हैं एक डीएनए साइट पर, जब वो वहां से बाहर निकलेंगे तो क्या उनकी जो टारगेट पोजीशंस हैं वो फिक्स होती हैं। एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जब निकलेगा तो उसके लिए एक फिक्स टारगेट साइट है, वहीं पर जाकर के वो इंसर्ट करेगा, क्या ऐसा क्वेश्चन होगा? तो आपको ध्यान रखना है ऐसा कुछ नहीं है। एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जो एक डीएनए साइट पर प्रेजेंट है, जब भी वो ट्रांसपोजिशन में जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए जो साइट्स हैं वो लिमिटेड हैं और फिक्स हैं क्रोमोसोम पर, या हमारे डीएनए की जो साइट्स हैं वहां फिक्स हैं, वो कई अलग अलग जगह पर अपने आप को इंसर्ट कर सकता है। और ऐसा करने के लिए, और वो क्यों कर सकता है, या ऐसा करने के लिए उसे क्या कोई रिक्वायरमेंट है? तो आप ऐसा समझ लें जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी खुद की कैपेबिलिटी होती है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो मूल क्वेश्चन ये है, प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि जब वो वहां से निकलेगा तो क्या वो अपनी टारगेट डीएनए साइट जिसे हम बोल रहे हैं तो क्या वो फिक्स होती है? ऐसा नहीं है, वो जीनोम में कहीं पर भी जाकर के इंसर्ट हो सकता है। और उसका कारण यह है कि उसको ऐसा करने के लिए किसी सीक्वेंस होमोलॉगी की जरूरत नहीं है। ये हम लोग इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन है उसमें होमोलॉगस डीएनए की जरूरत है। पूरा का पूरा जो डीएनए रीजन है, जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका होमोलॉगस होना जरूरी है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में एक स्मॉल साइट का होमोलॉगस होना जरूरी है साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में। ट्रांसपोजिशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से वो एक साइट से एक डीएनए साइट से जब ट्रांसपोजिशन में जाते हैं, जंप करते हैं, तो हमारे जीनोम में कहीं पर भी आकर के इंसर्ट हो सकते हैं। तो एक करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रांसपोजोन्स इज दैट दे कैन इंसर्ट इनटू मेनी डिफरेंट साइट्स इन द जीनोम। हमारे जीनोम की बहुत अलग अलग साइट्स में वो इंसर्ट हो सकते हैं। दिस इज बिकॉज ट्रांसपोजिशन डज नॉट रिक्वायर एनी सिक्वेंस होमोलॉगी। ट्रांसपोजिशन में किसी सीक्वेंस होमोलॉगी की जरूरत नहीं है बिटवीन ट्रांसपोजोन्स डीएनए एंड टारगेट साइट। टारगेट साइट और जो ट्रांसपोजोन है, जो ट्रांसपोजोन का डीएनए है और जो टारगेट डीएनए साइट है, उसमें दोनों के बीच में कोई होमोलॉगी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वजह से जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं वो अपने आप को हमारे जीनोम में, अपने ही सेल के जीनोम में कहीं पर भी जाकर के इंसर्ट हो सकते हैं। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो यदि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की बात करी जाए तो दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका होमोलॉगस होना जरूरी है, अर्थात उनके डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो सिक्वेंसेस हैं उनका मोर और लेस सिमिलर होना जरूरी है। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में एक स्मॉल साइट का होमोलॉगस होना जरूरी है उन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। थर्ड इज ट्रांसपोजिशन। जब भी हम ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे तो कोई भी होमोलॉगी की जरूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ होमोलॉगी। आपको यह ध्यान रखना है कोई होमोलॉगी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को जब वो ट्रांसपोजिशन में जाएंगे। तो ये तीनों के बीच में आपको एक अंतर ध्यान रखना है, ठीक है, ये एक डिफरेंस रहता है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन एंड ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन में किसी तरह की कोई भी होमोलॉगी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस वजह से ये एलिमेंट अपने आप को हमारे जीनोम में कहीं पर भी जा करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या हैं, आप ये समझ लें सामान्य भाषा में, वो डीएनए सेगमेंट्स जो एक डीएनए साइट से या एक जगह से मूव करके हमारे जीनोम में किसी दूसरी टारगेट साइट पर, किसी दूसरे क्रोमोसोम या डीएनए के किसी और जगह पर जा करके अपने आप को इंसर्ट करा लें, हम ऐसे मोबाइल डीएनए सेगमेंट्स को ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या फिर ट्रांसपोजोन्स कहते हैं, ठीक है। और इनके मूवमेंट की जो पूरी मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, उसे हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वन या मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोजोन फ्रॉम वन डीएनए साइट टू अनदर डीएनए साइट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। और मोबाइल डीएनए एलिमेंट्स को, जो डीएनए में एलिमेंट्स ऐसा कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोजोन्स। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बीच में मैंने आपके साथ ये भी डिस्कस किया कि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन, साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसपोजिशन में होमोलॉगी के रिलेशन में क्या आपको ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ट्रांसपोजिशन में किसी तरह की होमोलॉगी की रिक्वायरमेंट नहीं है। साइट स्पेसिफिक एक स्मॉल साइट में साइट का होमोलॉगस होना जरूरी है उन डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, हम लोगों को बेसिकली ट्रांसपोजोन्स के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोजिशन के क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और क्या क्या उदाहरण है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसपोजोन्स के, उनके बारे में भी जानना है। इन चीजों को भी हमें बेसिकली समझना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें ट्रांसपोजोन्स के बारे में कि जो ट्रांसपोजिशन की मैकेनिज्म या जो ट्रांसपोजोन्स हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि रेयर प्रोसेस है, बहुत ही रेयर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ट्रांसपोजोन्स या ट्रांसपोजिशन ये बहुत ही रेयर केसेस हैं और रेयरली हमारे सिस्टम में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट आप ये समझ लें कि जो ट्रांसपोजोन्स हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कुछ फैक्ट हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ट्रांसपोजोन्स फाउंड इन जीनोम ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोजोन्स पाए जाते हैं। तो देखिए, एक तो ये कॉमन कैरेक्टर हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। मैं कुछ कॉमन पॉइंट बोल रहा हूं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ट्रांसपोजोन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, एक बेसिक पॉइंट। नहीं तो कई बार यदि आप ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कई बार ऐसा लिखा होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक जीनोम्स या यूकैरियोटिक जीनोम्स या वायरसेस। तो आपको ध्यान रखना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सभी लिविंग सेल्स में ये पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यदि हम ह्यूमन की बात करें, यदि हम जितने भी हायर एनिमल्स की बात करेंगे, मैमल्स की बात करेंगे, तो उनमें तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का परसेंट बहुत ज्यादा है जीनोम में। यदि हम लोग ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन जीनोम की बात करें, तो मोर देन 45% ह्यूमन में, मोर देन 45% जो जीनोम का हिस्सा है वो ट्रांसपोजोन से बना है। तो मोर देन 45% ह्यूमन जीनोम कंपोज्ड ऑफ ट्रांसपोजोन्स, आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। 45% हमारा जो जीनोम है वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से बना हुआ है। इससे पता चल रहा है कि ये रेयर नहीं, बहुत ही कॉमन है। हम लोग इनको पढ़ते नहीं है ज्यादा, बहुत ज्यादा इनके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें आप पढ़ते इनको कम है, थोड़ा क्वेश्चंस भी कम पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो, हर एक एग्जाम को छोड़ करके दूसरे एग्जाम में एक एवरेज में क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहाँ से आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही कॉमन है, और मनुष्य में जो मनुष्य का जीनोम है उसमें 45% तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, और मोर देन 50% जो मेज है जीनोम, जिसमें मैकलिंटॉक ने सबसे पहले ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था जब उन्होंने इसे जंपिंग जीन कहा,
तो मोर देन 50%, मैं एवरेज में बता दूं कि लगभग ग्रेटर देन 80% जो जीनोम है वो बना है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का। तो आप ये भी ध्यान रखें कि मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पाए जाते हो, बल्कि मोर देन 50% इन मेज वहां पर पाए जाते हैं। अब एक पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कई बार इनर्ट डीएनए कह देते हैं, डेड डीएनए सेगमेंट्स कह देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन मेरे हिसाब से इनको यह कहना ठीक नहीं है कि वो डेड सीक्वेंसेस हैं, अर्थात वो ऐसे डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, डीएनए जो ट्रांसपोजोन्स हैं, उनको डेड कहना उचित नहीं है। क्योंकि यदि वो डेड होते तो फिर तो उनसे कोई भी, जब भी वो यहां से वहां जंप करते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था सेल के ऊपर और हमारे जीनोम के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है जिसमें लगातार धीरे धीरे जेनेटिक लेवल पर चेंज होते हैं और हजारों सालों में इस चेंज के आधार पर जो स्पीसीजेस होती हैं वो थोड़ी बदल जाती हैं, तो एवोल्यूशनरी जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए जो एक बेस है, जो जेनेटिक लेवल पर जो चेंज है उसका बेस प्रिपेयर करते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं तो हमारे जीन्स के लेवल पर चेंज आते हैं, उन चेंज के आधार पर यदि ये माइनर चेंजेस हैं धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो आने वाले हजार सालों में और कुछ सालों में क्या होगा, वो स्पीसीज अपने जो पेरेंटल जो उनकी ओरिजिन थी उससे थोड़ी डिफर कर जाएगी और इस तरह से एक नई स्पीसीज वो नजर आने लगेगी। ठीक है, तो ट्रांसपोजोन्स कंट्रीब्यूट जेनेटिक वेरिएशन, जो जेनेटिक वेरिएशन आता है ठीक है उसको भी कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज द सबस्ट्रेट फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए जेनेटिक वेरिएशन जरूरी है और उसके लिए ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी जिम्मेदार हैं। तो ये कहना कि इनर्ट हैं या फिर डेड सीक्वेंसेस हैं ऐसा कहना उचित नहीं है, जनरली हम लोग ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स बोलेंगे। और इनके जंप करने से, इनकी ट्रांसपोजिशन की वजह से हमारे जीनोम में चेंजेस भी हो जाते हैं। कभी कभी यदि वो हमारी कोई फंक्शनल जीन, इसेंशियल जीन को इंटरप्ट करते हैं तो वो फंक्शन लॉस हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो बहुत सारी जेनेटिक डिजीज भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो आपको ये चार पॉइंट ध्यान रखना है और चार में से दो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, इनका कंट्रीब्यूशन जो जेनेटिक वेरिएशन है एवोल्यूशन के लिए जरूरी है उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है। और ये जो बीच में सेंटर में मैं दो पॉइंट बता रहा हूं, मोर देन 45% या मोर देन 50%, तो आपको ध्यान रखना है जितने भी हायर एनिमल्स हैं ठीक है या हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनमें बहुत उनका जो जीनोम है उसका मोर देन 50% या एवरेज में कह सकते हो, जैसे मनुष्य में मोर देन 45%, तो इसको भी मोर देन 50 कर लीजिए, तो 50% से ज्यादा जो पूरा जीनोम है वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का बना हुआ है। इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक पॉइंट आता है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के जनरल करेक्टर क्या हैं। हम लोग यहां से शुरू करते हैं, फिर जनरल करेक्टर के बाद आपको बताएंगे जो करेक्टर्स हैं, जैसे कि शॉर्ट फ्लैंकिंग रिपीट्स क्या होते हैं, जो है इन्वर्टेड रिपीट्स क्या हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद आपको बताएंगे ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं। देन इसके बाद हम लोग ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म पर आएंगे, किस तरह का मैकेनिज्म है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वैसे तो बहुत अलग अलग तरह के ट्रांसपोजोन्स हैं, हम लोग आगे उनको डिस्कस भी करेंगे। तो ट्रांसपोजोन्स कई अलग अलग तरह के हैं, डीएनए ट्रांसपोजोन्स हैं, डीएनए में कुछ रेप्लिकेटिव हैं, कुछ नॉन रेप्लिकेटिव हैं ठीक है। दूसरा जो ग्रुप आता है उसमें वायरस लाइक भी आते हैं, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं बेसिकली दो ग्रुप में कर सकते हैं डिविजन, डीएनए ट्रांसपोजोन्स और रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। डीएनए ट्रांसपोजोन्स को फर्दर डिवाइड कर लेते हैं रेप्लिकेटिव और नॉन रेप्लिकेटिव, तो आगे हम लोग उनका
जो है डिवीजन करेंगे, लेकिन सभी ट्रांसपोजोन्स को कलेक्टिवली हम कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें हम रख करके उनकी बेसिक स्टडी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ जनरल कैरेक्टर्स की ट्रांसपोजोन्स की। तो पहला तो कैरेक्टर ये है, यदि कोई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, यदि वो एक डीएनए साइट से जंप करके दूसरी डीएनए साइट पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के पास एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जो उसे कैपेबल बनाता है कि वो एक जगह से मूव कर सके दूसरी जगह। तो जितने भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होंगे उनमें ये कहना तो हमारे लिए बड़ा आसान है कि सबके पास कम से कम ये करेक्टर तो है कि उनके पास एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जो उसे कैपेबल बनाता है कि वो जंप कर सके एक साइड से दूसरी साइड पर। तो वही पॉइंट यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ऑल ट्रांसपोजोन्स हैव डीएनए सीक्वेंस नेसेसरी फॉर देयर ओन मूवमेंट, उनके अपने मूवमेंट के लिए जरूरी है। आपको ध्यान रखना है, उनके पास एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जो उन्हें कैपेबल बनाता है कि वो अपने आप को मूव करा सके फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। जैसे ये एक डीएनए है और इस डीएनए पर एक ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट डीएनए में है, तो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हुआ और इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का जो सेगमेंट है वो कैपेबल है, वो कैपेबल है कि वो अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सके। ये एक सेकेंड डीएनए मॉलिक्यूल है, ये टारगेट साइट है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये इसी डीएनए का हिस्सा हो सकता है, दूसरा हो सकता है, ये वो रीजन है जहां ये इंसर्ट हो सकता है। तो इसने क्या किया, अपने आप को यहां से बाहर निकाला और आकर के इस जगह पर इंसर्ट कर गया, यहां पर आकर के ये इंसर्ट हो गया। हम इस पूरे प्रोसेस को नाम देंगे ट्रांसपोजिशन, और जिस डीएनए सेगमेंट ने ऐसा किया है उसे हम ट्रांसपोजोन कहेंगे। तो ट्रांसपोजोन डीएनए सीक्वेंस ही है, अर्थात इस डीएनए सीक्वेंस में एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी वजह से ये पार्ट अपने आप को मूव करा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जितने भी ट्रांसपोजोन्स होंगे उनके पास अपना एक सीक्वेंस है जो उन्हें कैपेबिलिटी देता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकें। आपको ये ध्यान रखना है। मैं इसको थोड़ा सा साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन से थोड़ा कंपेयर करा देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाए। जैसे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में हम लोगों ने बैक्टीरियोफाज लेमडा का केस लिया हुआ था, तो बैक्टीरियोफाज लेमडा और बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में इंसर्शन हो रहा था, दोनों एक दूसरे से साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कर सकते हैं। वो इस वजह से पॉसिबल था कि दोनों के पास अटैचमेंट साइट थी, एक ऐसे स्मॉल डीएनए रीजंस थे जहां वो आपस में आकर के अटैच कर सकते हैं और रिकॉम्बिनेज एंजाइम वहां पर एक्ट कर सकता है। तो इन डीएनए साइट्स की वजह से रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गया था। उसी तरीके से जितने भी ट्रांसपोजोन्स होते हैं उनके पास एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस है जो उनके मूवमेंट के लिए नेसेसरी है, ठीक है, अर्थात उन्हें वो कैपेबल बना रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट एक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग वायरसेस को देखें, यदि हम लोग बात वायरसेस की करें, तो वायरसेस जब इन्फेक्ट करते हैं हमारी सेल को तो जनरली वो अपने जीनोम को ही हमारी सेल में इंसर्ट करा देते हैं, जीनोम ही सेल के अंदर पहुंचता है और वहां पर वायरस का जीनोम जा करके अपने जैसे बहुत सारे वायरस बनाता है और उन वायरसेस को प्रोटीन का जो कोट होता है जिसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं उससे कवर करके उस सेल के बाहर आ जाता है, फिर किसी दूसरी सेल को वो इन्फेक्ट करेगा। तो वायरस के पास अपना जीनोम है और उस जीनोम को उसने प्रोटेक्शन के लिए कवर किया हुआ है प्रोटीन से।
जब भी वो किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो अपने इस प्रोटीन कोट को डिसअसेंबल कर देता है, उसका जीनोम बाहर आ जाता है और सारे फंक्शन शुरू कर देता है। क्या हम ट्रांसपोजोन्स और वायरसेस को कंपेयर कर सकते हैं? क्या ट्रांसपोजोन्स वायरस की तरह व्यवहार करते हैं? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या ट्रांसपोजोन्स वायरस ही है? तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, यह गलत है। क्यों गलत है? वो बेसिक कारण यह है कि जो वायरस होते हैं वो एक सेल को इन्फेक्ट करने के बाद जब वो बाहर आएंगे तो उनके उसका पास अपना जीनोम है, वो दूसरी सेल को जाके इन्फेक्ट कर सकते हैं। अर्थात वायरस जो होते हैं वो जंप करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अर्थात एक सेल को इन्फेक्ट किया, वहां से जब निकलेंगे तो फिर दूसरी सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं, फिर और भी सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इवन दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वायरस इस तरह से सेल टू सेल जंप करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकते हैं। लेकिन यदि हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की बात करें तो वो ऐसा नहीं करते हैं, उनका जो मूवमेंट है वो विद इन सेल है, वो अपने जीनोम में ही मूव करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। ट्रांसपोजोन्स आर कन्फाइंड टू मूविंग न्यू डीएनए साइट्स विद इन ए सेल, अपनी ही सेल के जो जीनोम है, ठीक है, उस जीनोम में किसी दूसरी डीएनए साइट पर जाकर के वो इंसर्ट हो सकता है, सेल के बाहर नहीं जा सकता है। इट इज ए बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन वायरसेस एंड ट्रांसपोजोन्स। क्योंकि आगे हम लोग रेट्रो ट्रांसपोजोन्स को बात करेंगे, तो रेट्रो ट्रांसपोजोन्स रेट्रो वायरस क्यों नहीं हो सकते हैं, उस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वहां कुछ और भी डिफरेंस आपको बताएंगे, लेकिन ये एक बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो वायरल जीनोम है, आप जानते हैं वायरसेस में वीरियन भी कहते हैं, कंप्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर वायरल पार्टिकल को वीरियन कहते हैं, ठीक है, हम लोग वायरसॉइड भी कहते हैं, तो अलग अलग जो है सैटेलाइट वायरस भी कहे जाते हैं, तो अलग अलग वायरस हैं। तो बहुत सारे वायरस होते हैं जिनके पास प्रोटीन कोट भी नहीं होता है, केवल वो जीनोम के बने होते हैं और वो अपना जीनोम ही मूव कराते रहते हैं, कभी इस सेल में कभी दूसरी सेल में, तो उनको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, क्योंकि वायरस का जो जीनोम है एक सेल से दूसरी सेल में भी जंप करता है, वो इन्फेक्ट करते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, तो हमेशा जो उनका मूवमेंट है वो कन्फाइंड है, वो केवल लिमिटेड है, वो अपने जंपिंग के लिए, अपनी ट्रांसपोजिशन के लिए विद इन सेल, आपको ये ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट में डिस्कस करने चल रहा हूं, यहां से हम लोग ट्रांसपोजिशन में जो अलग अलग रिक्वायरमेंट है उनकी भी शुरुआत कर रहे हैं। अब अगले पॉइंट की हम लोग बात करें तो जितने भी ट्रांसपोजोन से कुछ को छोड़ दिया जाए, प्रेजेंस, ठीक है, या प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स एट द एंड ऑफ मैनी बट नॉट ऑल ट्रांसपोजोन्स, जितने भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं उन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के एंड पर एक जो इन्वर्टेड जो टर्मिनल शब्द है वो एंड से रिलेटेड है, तो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स, इन्वर्टेड का मतलब होता है जैसे कि ए सी जी सी टी, ये एक 5:3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से। जब हम उस तरफ से देखेंगे 5' एंड से, तो यहां पर देखिए इन्वर्टेड होगा, यदि हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा, यहीं से शुरू करते हैं टी टी जी सी और ए, यदि हम इसको देखें तो ये इस तरह से एरो हो गया, ये इसका 5' और ये इसका 3', तो ये क्या हो गया, इन्वर्टेड रिपीट्स। जितने भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए या कुछ को छोड़ दिया जाए, तो उनके एंड्स पर एक इन्वर्टेड रिपीट पाई जाती है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का एक इन्वर्टेड रिपीट पाया जाता है, और ये भी एक जनरल कैरेक्टर है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का। आपको मैं बता दूं जो ये टर्मिनल रिपीट है ये फंक्शन करती है, फंक्शंस एज ए रिकॉम्बिनेशन साइट, इस पॉइंट को हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे, रिकॉम्बिनेशन साइट। जितने भी वायरसेस होते हैं मोस्ट ऑफ वायरसेस के एंड पर टर्मिनल पर इन्वर्टेड रिपीट पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, ठीक है,
ये एक कॉमन करेक्टर है और ये रिपीट रिकॉम्बिनेशन साइट की तरह फंक्शन करती है। अगला पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट ऑन दी बोथ साइड्स ऑफ मोस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। जितने भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो उन सभी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स के दोनों एंड पर एक शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट होता है। फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसे आता है, कैसे बनता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट, यहां पर दो पॉइंट आ रहे हैं आपको ध्यान रखना है। वन इज टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स। तो मोस्ट ऑफ वायरसेस के जो एंड्स होते हैं वहां पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स पाया जाता है। ठीक है, इन्वर्टेड आप समझ सकते हैं जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जस्ट उल्टा हो। ठीक है, और दूसरा जो करेक्टर है वो है शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट। जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं उनके साइड बाय साइड, दोनों एंड्स के साइड में शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट पाया जाता है। अब ये फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट कैसे आता है, क्या ये वायरस का हिस्सा है या नहीं है, इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जनरल करेक्टर में मैंने आपको चार पॉइंट्स बताए हुए हैं, एक बार आप इसको फिर समराइज कर लें। पहला तो इनके पास अपना एक डीएनए सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर डीएनए का रीजन है जो इन्हें कैपेबल बना रहा है इनके मूवमेंट को फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोगों की बॉडी में दो पैरों का होना हमें कैपेबल बनाता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकें, हम लोग चल सकते हैं। यदि हमारे पास पैर ना हो तो हम लोगों का चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा और हम नहीं चल सकते। ठीक है, तो हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है वो हमारे पैरों पर डिपेंड है एक पूरी बॉडी में। उसी तरह से जो ट्रांसपोजोन है उसके पास और भी डीएनए रीजन हैं, ऐसा नहीं कि उसके पास डीएनए रीजन नहीं है। आपको आगे जान करके इस पॉइंट को खुशी होगी कि उसके पास अपने जीन्स भी हैं जो प्रोटीन कोड करते हैं, आगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि हर एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के पास अपना एक ऐसा निर्धारित न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो उसे कैपेबल बना रहा है कि वो एक जगह से मूव कर सके और दूसरी जगह पर जाकर के इंसर्ट हो सके। पहला करेक्टर ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा करेक्टर वायरसेस का ये है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का ये है जो उसे वायरस से अलग करता है कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट अपने ही सेल में अपने ही जीनोम में जंप करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये करेक्टर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को वायरस से अलग करता है। जो वायरसेस होते हैं यदि हम उनके जीनोम के हिसाब से देखें तो वो एक सेल से दूसरी सेल जा सकते हैं, और जैसा मैंने पिछले भी कुछ समय पहले कहा कि वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में भी जंप करते हैं, जा सकते हैं, उन्हें इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। नीचे के दो पॉइंट हैं, ये भी करेक्टर हैं। मोस्ट ऑफ जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं उनका करेक्टर ये होता है कि उनके एंड्स पर टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स पाए जाते हैं, और साथ में उनके जो साइड बाय साइड है शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स भी पाए जाते हैं। अब यहां पर इन दोनों चीजों को थोड़ा जस्टिफाई करना है कि शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स क्या है और टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स क्या है, इन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्लैंकिंग रिपीट्स की बात करते हैं। शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स, फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स, तो पहले तो आप बेसिकली समझ लें, बहुत ही आसान है। ये एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ये एक ट्रांसपोजोन है। ये ट्रांसपोजोन किसी डीएनए साइट पर ही होगा कुछ इस तरीके से, एक डीएनए मॉलिक्यूल है और उसमें ये ट्रांसपोजोन है।
तो यहां तक ट्रांसपोजोन है, इसी ट्रांसपोजोन का हिस्सा, इसी ट्रांसपोजोन का ये पार्ट होगा जो लास्ट का मैं लाइनें खींच रहा हूं, ये इसकी इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, ये इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। इसी वजह से हम लोग कहते हैं टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स। मेन पॉइंट ये है कि दो हम लोगों ने रिपीट्स के बारे में बात करी है, वन इज फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट एंड सेकेंड इज टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स। इन्वर्टेड रिपीट्स, इन दोनों में अंतर ये है जो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं, These repeats are the parts of transposon. ये transposon के जो end हैं, ठीक है? Transposon का अपना खुद का ये हिस्सा है, आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन जो short flanking repeats होते हैं, वो हिस्सा नहीं है transposon का, बल्कि ये repeats create होते हैं जब एक transposon एक जगह से दूसरी जगह move करके पहुंचता है, और उस ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस के द्वारा जो रिपीट्स क्रिएट होती हैं, उन्हें हम शॉर्ट फ्लैंकिंग रिपीट्स कहते हैं। तो शॉर्ट फ्लैंकिंग रिपीट्स आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ट्रांसपोजोन्स का पार्ट नहीं है फ्लैंकिंग रिपीट्स, जबकि जो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, आपको यह ध्यान रखना है। तो कैसे क्रिएट होते हैं, मैं एक बेसिक पॉइंट और कह दूं, यहां पर जो हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स हैं, शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स क्रिएट्स ये बनती हैं व्हेन ट्रांसपोजिशन अकर एट द टारगेट डीएनए साइट। टारगेट डीएनए साइट पर जब ट्रांसपोजिशन होगा तब ये क्रिएट होगी, और ये साइट्स वायरस का हिस्सा नहीं है, आपको यह ध्यान रखना है, यह वायरस का हिस्सा नहीं है। जैसे हम लोगों के पैरों में, पैरों की जो अंगुलियां हैं हमारे पैरों का हिस्सा है 100%, लेकिन जूते हमारे पैरों का हिस्सा नहीं है, वो तो हम पहन लेते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से जो टर्मिनल रिपीट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, कई बार इन क्वेश्चंस को लोग स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं और जनरली ट्रांसपोजोन्स पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत भी रही है कि ट्रांसपोजोन्स हमने पढ़े तो हैं लेकिन मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो रीजन ये है, ट्रांसपोजोन्स को हमें समझना है, उनका व्यवहार कैसा है, वो क्यों ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं और वो किस तरह के हैं, तो उन्हीं बेसिक पॉइंट्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने दो शब्द यूज किए हैं लास्ट में, ये मैंने कहा था कि एक टर्मिनल रिपीट, टर्मिनल रिपीट्स जो इन्वर्टेड रिपीट्स हैं, दीज रिपीट्स आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ ट्रांसपोजोन, वो ट्रांसपोजोन का अपना इंटेग्रल पार्ट है जो उनके एंड पर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो शॉर्ट फ्लैंकिंग रिपीट्स हैं, दीज आर नॉट द इंटेग्रल पार्ट ऑफ ट्रांसपोजोन, ये ट्रांसपोजोन्स का पार्ट नहीं है, बल्कि ये क्रिएट हुई हैं साइट्स जब ट्रांसपोजिशन हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं और इसको जस्टिफाई कर लेंगे, बहुत ही आसान है, आगे एक केस हम लोग स्टडी करेंगे उससे हम लोग इजीली समझ लेंगे ये क्यों नहीं है। तो शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स आर 3 to 12, 3 to 12 बेस पेयर लॉन्ग डायरेक्ट रिपीट्स प्रेजेंट या दैट प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स है यहां पर, बोथ साइड्स ऑफ मोस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, जितने भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं उनके दोनों साइड्स पर वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, जिस पर मैं बहुत फोकस कर रहा हूं, जो शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एंड डू नॉट ट्रेवल विथ इट। तो जब ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का इंटेग्रल पार्ट नहीं है
तो ये ट्रांसपोजिबल एलिमेंट के साथ मूव भी नहीं करती है। तो जब एक ट्रांसपोजिबल एलिमेंट एक साइड से मूव करके दूसरी साइड पर जाएगा अर्थात ट्रांसपोजिशन में जाएगा, तो क्या जो शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स हैं क्या ये भी उसके साथ जाएंगी? तो नहीं जाएंगी, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब वो उसका हिस्सा ही नहीं है तो वो क्यों मूव करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो उसके साथ मूव नहीं करती हैं, रादर दे आर जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। जो पॉइंट है ट्रांसपोजोन्स के इंसर्शन का, वहां पर ये साइट्स क्रिएट होती हैं। मैं फाइनली एक पॉइंट बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, जो शॉर्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दीज रिपीट्स आर नॉट पार्ट ऑफ या इंटेग्रल पार्ट ऑफ ट्रांसपोजोन्स। ये ट्रांसपोजोन्स का इंटेग्रल पार्ट नहीं है, बल्कि जब ट्रांसपोजिशन होती है तो उस ट्रांसपोजिशन के साइड बाय साइड एक सॉल्ट डीएनए सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है जो डायरेक्ट रिपीट में है। दोनों एंड से यदि हम स्टडी करेंगे, हम इस सॉल्ट डीएनए सीक्वेंस को सॉल्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट कहते हैं। ये ट्रांसपोजोन का हिस्सा नहीं है, और जब भी कोई ट्रांसपोजोन इस साइड से दूसरी साइड पर जाएगा तो ये उसके साथ मूव नहीं करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहां पर दोबारा बना देता हूं और आप ऐसा इसको फिर समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार यहां से क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं यदि हम लोग ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। तो ये एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ये एक ट्रांसपोजोन है। ट्रांसपोजोन के जो एंड हैं, ये जो मैंने यहां पर ये एक ट्रायंगल बना रहा हूं, आप इस ट्रायंगल को समझ लें, ये टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट है, ये वायरस की टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट है और ये वायरस का ही हिस्सा है। ये तो टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट्स आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ ट्रांसपोजोन। ये टर्मिनल इन्वर्टेड रिपीट हैं, और ये पूरा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। जब हम लोग इसके इस डीएनए के लोकेशन को चेक करेंगे, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक डीएनए में प्रेजेंट है, तो इस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के बाद कुछ डीएनए रीजन है, ये एक डीएनए रीजन है जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का हिस्सा नहीं है, और यहां का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो डायरेक्ट रिपीट में है। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो डायरेक्ट रिपीट में है, कुछ इस तरीके से। हम इस डीएनए रीजन या इस डीएनए रीजन की बात करें, इसे हम लोग सॉल्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट कहते हैं, डायरेक्ट रिपीट। शायद आप सभी लोग इस पॉइंट को लेकर के अंतर समझ पा रहे हैं। जैसे मैं सीक्वेंस बना देता हूं ए सी जी टी, तो यदि हम इस सीक्वेंस को देखेंगे तो ए भी होगा ए सी जी टी, कुछ इस तरीके से। तो सॉल्ट फ्लैंकिंग डायरेक्ट रिपीट्स ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जब खत्म होते हैं एंड पर, उसके बाद हैं, और ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का इंटेग्रल पार्ट नहीं है। जब ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट ट्रांसपोजिशन में जाएगा, जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, जब ये जाएगा तो ये ट्रांसपोजिशन जब होगी तो ये पार्ट तो निकलेगा, लेकिन ये हिस्सा मूव करके नहीं जाएंगे। जो फ्लैंकिंग रिपीट्स हैं, डायरेक्ट रिपीट्स हैं, वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के साथ मूव नहीं करेंगे, लेकिन जो टर्मिनल रिपीट है, टर्मिनल रिपीट तो उसके साथ मूव करेंगे।
टर्मिनल रिपीट्स तो उसके साथ जाएंगे क्योंकि ये इसके टर्मिनल का इंटेग्रल पार्ट है। और मैंने शुरू में कहा यही वो साइट है जो रिकॉम्बिनेशन कराती है ट्रांसपोजोन को, तो आपको ये ध्यान रखना है। शॉर्ट फ्लैंकिंग रिपीट अब कैसे क्रिएट होती है इनको हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे वाले पॉइंट पर आते हैं और डिस्कशन करते हैं कि शॉर्ट फ्लैंकिंग रिपीट कैसे क्रिएट होते हैं। शॉर्ट फ्लैंकिंग रिपीट्स कैसे